ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। शहीदों की याद में हर वर्ष लगेंगे मेले, कुछ ऐसा ही देखने को मिला घोसिया कला में। रोहतास जिले के जामबान सिपाही खुर्शीद आलम पुलवामा में हुए आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जामबान सिपाही के पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया था। राजकीय सम्मान के साथ सैनिकों के सैल्यूट के बीच उन्हें अंतिम संस्कार किया गया था। आज वैसे वक्त का हर पल अपने दिलों में समाये रखने के लिए खुर्शीद आलम के नाम पर बॉलीवुड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल में शामिल होने के लिए दूर दूर से खिलाड़ी आए थे। इस बाबत बॉलीवुड प्रतियोगिता खेल को उद्घाटन करते हुए जिला पार्षद उमेश यादव ने बताया कि खुर्शीद आलम एक नाम नहीं बल्कि एक देश का पहचान है। उनकी याद में आज बॉलीवुड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिनमें 8 टीम की शामिल होने की बात कही गई। बक्सर, चौसा, करत, रामगढ़, भोजपुर तुर्क, बिघा के अलावा नोक पारसी टीम को भी शामिल किया गया है। टूर्नामेंट का आयोजन घोसिया कला गांव द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नसरुद्दीन खान, भूतपूर्व डीएसपी कादर खान, वकील अशोक कुमार, मलखान, मिथिलेश कुमार के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। खेल भावना से टूर्नामेंट खेला गया तथा खेल बहुत ही दिलचस्प रहा। इस पूरे खेल में तुर्क बिघा ने बाजी पलटते हुए चौसा को हराकर शील्ड पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरे खेल के दौरान सभी के चेहरे पर अपने गांव के शहीद खुर्शीद आलम का याद ताजा होते दिखा। इस मौके पर उनके घर के परिजनों ने सभी प्रतियोगी टीम के साथ मिलकर शहीद खुर्शीद आलम की कारनामे को सुनाया तथा देशभक्ति के विषय में अवगत कराया। ताली मारो सर। जी, हम शहीद खुर्शीद खान का भाई हैं
और ये पूरे गांव के सहयोग से एक टूर्नामेंट जो है वॉलीबॉल का रखा गया था और बहुत अच्छी तरह से सारे लोग सहयोग किया।